गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास सिक्स का एक्सरसाइज 4.4 रिवीजन करने वाले हैं। ये वाला चैप्टर मैं आपको बहुत पहले करवा चुकी हूँ, जब आपके ये ऑनलाइन टेस्ट शुरू हुए थे उससे पहले। अब मैं आपको दोबारा से एक बार आपको रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आपके रिवीजन अच्छे से हो, आपको पता चले इस चैप्टर के अंदर क्या है, आपके माइंड से स्किप ना हो। आपको लिंक भी मैं रोज सेंड होते हैं आपके पास, तो आपने अच्छे से उनको देखना है। जिसने कॉपी में अभी तक नहीं किए हैं तो आपने वो नोटबुक में अपने साथ साथ जरूर कंप्लीट करना है। ओके, तो जो 4.4 एक्सरसाइज है सेम आपकी वैसी ही है, क्योंकि आर्टिकल बेसिक ज्योमेट्री में वही सारे क्वेश्चन सेम ही है। तो देखो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, मार्क ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर एंड ए पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। ये कहता है कि आपने एक रफ स्केच, ठीक है, आपने रफ स्केच एक क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, और उस ट्राइंगल को आपने नाम देना है ए बी सी। देखो ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं तो नाम उसका ए बी सी आ गया। फिर कहता है मार्क ए पॉइंट पी ऑन इट्स इंटीरियर, यानी उसके अंदर आपने एक पॉइंट पी को डालना है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, ठीक है, तो उस पॉइंट को जो हमने नाम देना है पी देना है, एंड अ पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर, और जो बाहर हमने पॉइंट डालना है वो उसका नाम देना है हमने एक्सटीरियर। बाहर का होता है एक्सटीरियर, क्या होता है बाहर, और उस पॉइंट को हमने नाम देना है क्यू। इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर ऑन इट्स इंटीरियर, और ये बताओ कि जो ए पॉइंट है वो आपका इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। ओके, तो देखो इन्होंने क्या बोला है, आपने एक रफ ट्राइंगल बनाना है। तो बेटा देखो मैं ये ट्राइंगल बना रही हूँ, आपने अपनी फेयर को नोटबुक में ये बकायदा आपने स्केल और पेंसिल से यूज करके ही ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। रफ डायग्राम का मतलब ये नहीं होता कि आप फ्री हैंड आपने कैसे भी यूज कर लिया, आपने इसको स्केल और पेंसिल यूज करके आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें लगानी है। हाँ, इसमें क्या मेजरमेंट कुछ भी नहीं, आप अपनी मर्जी से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 समथिंग आप कुछ भी ले सकते हो मेजरमेंट, ठीक है। अब मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है, क्या नाम दे दिया ए बी सी, ये नाम दे दिया। अब हमारा एक्सटीरियर यानी अंदर हमने पॉइंट नाम देना था पी, तो आप ना इस पूरे इस वाले ट्रायंगल के अंदर कहीं पे भी कुछ भी ना अंदर किसी भी पॉइंट पे नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ दे दिया, आप यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, कहीं पे भी दे सकते हो, ठीक है। और एक्सटीरियर क्यों यानी इसके बाहर आपने उसको नाम देना है क्यों, आया समझ में। और लास्ट वाली लाइन में आपसे पूछा गया है इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर ऑन इट्स इंटीरियर, कहता है कि जो ए पॉइंट है ये एक्सटीरियर यानी ये अंदर है या ये बाहर है, तो हम क्या लिखेंगे, ये ए है ना ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है वर्टेक्स है, क्या है, ए इज नॉट ए पॉइंट, इट इज ए वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है बेटे कोने, मैं लिख देती हूँ साथ में, ठीक है, कोने होता है यानी मतलब जो इनके देखो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 कोने कौन से हो गए, ए बी सी, आया समझ में। अब हम इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है का फर्स्ट पार्ट, आपको इसमें ना ये वाला ट्राइंगल आपकी बुक में दिया हुआ है, आप खोलोगे देखना, मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है। तो फिगर आप ये देखो, इसके अंदर ए बी सी ये ट्राइंगल है, ये इसके अंदर इन्होंने परपेंडिकुलर डाला हुआ है, इसको नाम दिया हुआ है इन्होंने डी। तो अब इस फिगर को देखते हुए हमने जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं हमने उसके आंसर बताते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का दिया हुआ है, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर, कहते हैं जो ट्राइंगल हमने आपको दिया है इसके अंदर हमने 3 फिगर बताने हैं, कौन कौन से फिगर है 3। तो देखो बेटा फिगर होता है जो भी हमें एक चित्र बनाया होता है, जो भी हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ट्रायंगल भी आपको पता है कि ट्रायंगल की शेप कैसी होती है, तो इस फिगर को देखते हुए 3 हमने बताने कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमारा ये वाला ही हो जाएगा ए बी सी, सबसे बड़ा दिख रहा है ना ट्राइंगल ए बी सी, मैंने लिख दिया। दूसरा अब आप ना देखो इस पोर्शन को आप छुपा लो, और आप देखो कौन सा दिखाई दे रहा है, ए बी डी, ए बी डी, एक दूसरा दूसरा, और अब मैं इस साइड के पोर्शन को छुपा लेती हूँ तो इधर लिख दूंगी ए डी सी, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो 3 हमारे क्या हो गए, हमारे 3 ट्राइंगल्स हो गए हैं। ओके,
नेक्स्ट इसी का ही बी पार्ट आपको क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ सेवन एंगल्स। देखो एंगल्स वाला मैंने आपके प्रीवियस एक्सरसाइज में भी करवाया है कि एंगल्स क्या होते हैं और एंगल्स कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रही हूँ मैं कि जो हम एंगल होते हैं उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जहां पे भी आपको इसमें जहां पे भी आपको इस तरह से सिंबल बनता दिखे ना, वही इसके सारे के सारे एंगल्स हो जाएंगे। तो इन्होंने राइट द नेम ऑफ सेवन, इन्होंने तो खुद में बोला है कि सेवन एंगल लिखो, चाहे ज्यादा बनते हैं तो ज्यादा ना लिखो, सेवन ही बोला है, ना हमने कम लिख लिया ना ज्यादा। तो सेवन बोला है, सेवन होते हैं हमारे बेटा, ये वाला एंगल होता है हमारा। तो देखो आपको ये एंगल कहाँ कहाँ, ए डी बी, देखो मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है ए डी बी। अब इसको देखोगे कि एंगल कैसे, देखो ये ऐसे और ये वाला, देखो यहाँ पे ये शेप में बन रहा है ना, तो ए डी बी एक एंगल बन गया। अब ए डी सी, एक ये वाला इधर की साइड ये बन रहा है ना ए डी सी, दूसरा एंगल। अब ए बी डी, अब देखो जैसे मैंने पहले बोला था ए डी बी, तो हम इसको ऐसे भी, ये हम ऐसे बना रहे हैं तो हम इसको ये ऐसे भी बना सकते हैं, तो कौन सा हो गया ए बी डी, इसी का उल्टा हो गया। अब ए डी सी मैंने पहले बोला था, तो हम इसको ये ऐसे करके ऐसे भी तो बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, तो ये कौन सा हो जाएगा ए सी डी हो जाएगा। फिर बी ए डी, देखो पहले हमने पहले ए डी सी लिया, फिर बी ए बी डी लिया, अब मैं ले रही हूँ बी का पॉइंट, अब ये मैं ऐसे बना सकती हूँ ना ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा बी ए डी, ठीक है। फिर सेम यही प्रोसेस इसमें सी ए डी और बी ए सी, यानी आपने एक एक बार जो लिख दिया ना, अब फिर उसी का ही उल्टा कर दो, वो उसके अपोजिट हो जाएंगे, तो वो भी सेम इसके एंगल हो जाएंगे, ठीक है। आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको नोट कर लेना। फिर इसी का ही बेटा सी पार्ट है, राइट द नेम ऑफ सिक्स लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है, लाइन सेगमेंट होता है कि जो हमें लाइन की मेजरमेंट दी होती है, हमने वो लाइन सिर्फ उतनी ही लेनी है, ना हम उसको बड़ा कर सकते हैं ना हम उसको छोटा कर सकते हैं, यानी जिसकी मेजरमेंट फिक्स होती है। तो इस फिगर के अंदर हमें सिक्स लाइन बतानी है, तो देखो सिक्स लाइन, देखो एक लाइन तो ये होगी ए बी, लिख देंगे हम, लिख दिया मैंने। फिर एक लाइन होगी ए सी, लिख देंगे हम, यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर एक लाइन ये होगी ए डी, ये डी लिख दिया। फिर देखो ये एक बी डी हो गया, एक डी सी हो गया, और एक एक पूरी की पूरी बी सी हो गई। देखो ये हमारी सिक्स लाइन होगी ना, 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आता है हमारा इसका डी पार्ट, विच टू ट्राइंगल हैव एंगल बी एज कॉमन। कहते हैं ऐसे दो एंगल बताओ जिसमें एंगल बी कॉमन हो, कॉमन का मतलब होता है कि दोनों के अंदर ही वो होना चाहिए। तो देखो ये दोनों के अंदर कौन कौन से है? हमारे ट्राइंगल बन रहे हैं ए बी सी, इसके अंदर भी है, और ए बी डी, है ना। तो ये दो ट्राइंगल नहीं था, तीसरा कौन सा बन रहा है देखो हमारा ए बी सी, इसके अंदर बी नहीं है तो ये हम नहीं लिखेंगे, ए बी सी फर्स्ट और ए बी डी सेकेंड ट्राइंगल, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। देखो बेटा अभी तक हम रफ स्केच बना रहे थे ट्राइंगल के, अब हम बना रहे हैं क्वाड्रिलेटर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम कोई भी क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं ना, उसे फोर साइड्स तो हमने बनानी ही बनानी, आई बात समझ में। पी क्यू आर एस, जैसा कि इन्होंने नाम भी दिया है कि उसको हमें नाम देना है पी क्यू आर एस, इन्होंने फोर नाम दिए हैं, तो आप ऐसे भी समझ जाओगे कि हमें फोर साइन में बनानी बनानी है। ड्रॉ इट्स डायगनल नेम दैट, और कहता है उसके डायगनल भी बनाओ और उनको नाम भी दो। इज द मीटिंग पॉइंट ऑन द डायगनल एट द इंटीरियर और एक्सटीरियर, और कहते हैं जहां पे आप डायगनल बना रहे हो ना, और जिस पॉइंट पे वो डायगनल मिलते हैं, तो आपने ये बताना है क्या वो एक्सटीरियर है या वो इंटीरियर है, यानी वो डायगनल अंदर बन रहा है या वो बाहर बन रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें मैंने फोर साइड्स का ये फिगर बना दिया 1 2 3 4। आप पेंसिल स्केल से बनाना, मेजरमेंट आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, कोई फिक्स नहीं है, 2 सेंटीमीटर 3 4 5 आपकी एज ए विश, ठीक है। अब मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर एस, आप इसको पी क्यू आर एस यहाँ पे भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है सब कुछ। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो हम कोने से कोना मिलाते हैं ना, ये होते हैं हमारे डायगनल। तो देखो इसके इस कोने से मैंने ये मिलाया और इस कोने से मैंने ये मिलाया, तो देखो पी सी के साथ क्या बना आर फर्स्ट डायगनल, और एस के साथ क्या जुड़ा है क्यू, ये उसका सेकेंड डायगनल। अब देखो ये दोनों डायगनल ना इस पॉइंट पे मिलते हैं, मिल गए ना, आपस में काट रहे हैं जहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ। और अब आपने ये बताना है जो ये ओ है, जो यहाँ पे एक्सटीरियर है या इंटीरियर है,
तो देखो ये क्या है, इंटीरियर है यानी अंदर की साइड है ना, तो आप क्या लिखोगे, डायगोनल पी आर पी आर एंड डायगोनल एसक्यू एसक्यू मीट एट पॉइंट ओ, यानी इस पॉइंट ओ पे ये मिल रहे हैं, विच इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटर, और कहता है कि ये क्वाड्रिलेटर के अंदर है, इनसाइड लिख लो या इसमें इंटीरियर लिख लो वो आपकी मर्जी है, दोनों ही सेम चीज है। आया समझ में? अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड नेक्स्ट। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन स्टेट प्रूफ। ये कहता है कि ड्रॉ ए स्केच एल एम क्वाड्रिलेटर बनाना है, कोई भी किसी भी शेप में होना चाहिए, बस इसमें चार चीज होनी चाहिए, नाम इसका देना है हमने के एल एम एन, आपको इसमें बोला हुआ है, ठीक है। अब इसी को देखते हुए आपने बनाने हैं क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन आपका पहला बोल रखा है टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, टू पेयर अपोजिट साइड यानी जहां हम खड़े हैं उसका जस्ट दूसरा हिस्सा क्या होता है, हमारा अपोजिट ही तो होता है, जैसे लेफ्ट का अपोजिट राइट और राइट का अपोजिट लेफ्ट। तो आपने दो पेयर बताने हैं, पेयर का मतलब दो जोड़े। तो देखो KL इस लाइन के अपोजिट क्या है, ये वाली लाइन है ना, तो इसके अपोजिट क्या हो गया बेटा, MN या MN, मैंने लिख दिया। दूसरा KN, KN के अपोजिट क्या होता है, LM, तो मैंने यहां लिख दिया। दो पेयर बन गए, एक पेयर हमारा ये बन गया और एक पेयर हमारा ये बन गया। आया समझ में? अपोजिट यानी आमने सामने का, साइड साइड का, ठीक है। फिर इसी का ही बी पार्ट है पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, इसमें साइड थी फर्स्ट वाले में है ना, और सेकंड वाले में आपसे पूछा गया है एंगल, ओके। और एंगल पूछा गया तो एंगल का सिंबल आपको पता है कैसे प्रेजेंट करते हैं, और आपने पेयर बताने हैं, ठीक है। तो देखो एंगल के इसके अपोजिट क्या है बेटा, इसके अपोजिट है एंगल एम। अपोजिट का मतलब समझते हो ना, कि हर चीज उसके विपरीत होना। अब जैसे इसके साथ है ना एल दिया हुआ है, लेकिन ये एल इसके अपोजिट नहीं है, एल इसके साइड में है, इसके अपोजिट क्या है, एम है। तो एंगल के एंड एंगल एम, और एंगल एन और एंगल एल के एंगल एन है, तो एंगल एल और एंगल एम। आया समझ में? सी पार्ट इसका पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड होता है बेटा जो एक ही लाइन के ऊपर एंगल बने होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर एंगल बने होते हैं। तो वो देखो जैसे ये एक लाइन है ना, इस लाइन के साथ ये वाला एंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और इस वाली के साथ कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, इस वाली के साथ ये और इस वाली के साथ ये ऐसे बन रहे हैं ना। तो हमने क्या लिखना है, इसे पेयर लिखना है, यानी जो एक ही लाइन के ऊपर बनता है। तो देखो हम क्या लिख देंगे, के एन इस लाइन के ऊपर कौन सा बन रहा है बेटा, एन एम बन रहा है ना, देखो। और ये शेप भी देखो किस चीज की, ऐसे करके एंगल की शेप बन रही है ना। और सेकेंड हम ये लिख सकते हैं के एल, के एल के एल है, और इसके साथ कौन सा बन रहा है, एल एम, एल एम बन रहा है, ये भी एंगल की शेप है। तो दो हमारे ये बन गए, के एन एंड एम एल एंड के एल एंड एल एम, क्लियर। फिर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ये क्या कह रहा है, ये एडजेसेंट साइड्स है बेटा, साइड्स साइड होती है हमारी, जो ये साइड होती है, सॉरी इसमें साइड में देखो के एन, के एन साइड किसके है, एम एन के, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब समझते हो ना आप, एडजेसेंट अभी जैसे मैंने बताया कि जो एक ही लाइन के ऊपर होती हैं बेटा, जो फिक्स होती है, जैसे इस लाइन के साथ ये अटैच है और साइड कुछ है, साइड तो ये वाली है, ये इसके साइड है। तो देखो यहाँ पे क्या नाम है, के एन, और ये किसके साथ है, एन एम के, और के एल, के एल के अपोजिट कौन सी साइड है, एल एम, तो साइड में मैंने ये लिख दिया। फिर पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल है जो एक ही लाइन पे बने होते हैं, तो देखो एक ही लाइन पे एंगल के और एंगल एन है, और एंगल एल के ऊपर क्या बना हुआ है, एंगल एम बना हुआ है, जो एक ही लाइन के ऊपर होता है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया, एंगल के एंड एंगल एन एंड एंगल एल एंड एंगल एम, क्लियर। सो अब हमारी इन चैप्टर्स की रिविजन हो गई है, बाकी मैं आपको कल की वीडियो में करवाऊंगी, साथ साथ आपकी रिवीजन हो रही है, सारे लिंक्स आपके पास जा चुके हैं। अब आपने अच्छे से फेयर कॉपी बनानी है, नीट एंड क्लीन आपकी कॉपी होनी चाहिए, साथ साथ आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, ओके। सो हैव ए नाइस डे।